नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्री जॉब अलर्ट एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए बेल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच पाए। जी हाँ, सीटेट का एग्जाम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 8 दिसंबर को होने जा रहा है और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, जो एडमिट कार्ड आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। इस वीडियो में हम खास इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर सोल्व नहीं कर पाते। यानी आपको बता दूंगी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सोल्व नहीं कर पाए हैं या आपको आंसर पता नहीं है या आप तुक्का मारना चाहते हैं तो बेस्ट तुक्का मारने का तरीका क्या है। जी हां, आपको बता दें कि फ्री जॉब अलर्ट ने एनालिसिस किया है, सीटेट के 10 साल के एग्जाम पेपर को एनालिसिस किया है और एग्जाम पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट ने ये पता लगाया है कि सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन से आंसर का सही होता है। जी हां, अगर आपको पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो 100% में थे 60% क्वेश्चन सीटेट एग्जाम पेपर के ऐसे थे जिनका ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था सीटेट एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है 25% क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर ऑप्शन सी था, बाकी अन्य क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर ए और बी था। जी हाँ, तो साफ साफ आपको जो है संकेत मिल चुके हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उसमें आकर तुक्के के रूप में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जी हाँ, आपको बता दो कि सपोज कर लीजिए आपको 20 क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो तुक्के के रूप में आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चूज करना है, ताकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन के आंसर के सही होने की 60% प्रोबेबिलिटी हो जाए। अगर आप 20 क्वेश्चनों का आंसर तुक्का के रूप में डी भी चूज करते हैं तो हम लगभग आपसे वादा करते हैं कि आपके क्वेश्चनों का आंसर 12 से लेकर 13 क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी की प्रोबेबिलिटी हमेशा सीटेट के एग्जाम में जो है ऊपर तक रहती है। जी हाँ, अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई संकेत है तो आप क्वेश्चन के अंदर कमेंट कर सकते हैं हमारी इस वीडियो में। और आपको बता दूं कि दोस्तों कुछ लोग आपको फर्जी वीडियो भी डालेंगे इसके बारे में, तो आप सावधान रहिएगा। जो भी निर्णय लेना है आपको अपने मन से लेना है, अपने दिल से लेना है, ताकि आपके क्वेश्चन की आंसर की प्रोबेबिलिटी सही हो सके और आप सीटेट का एग्जाम क्लियर कर सके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई समस्या है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं फ्री जॉब अलर्ट एजुकेशन न्यूज। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल पाए।